रेडिसन ने शुरुआत की है एक नए मीठे की जिसका नाम है मीठा, जहाँ पे मिलने वाली ढेर सारी मिठाइयाँ। और हमारे साथ हैं शेफ राकेश सेठी। वेलकम सर, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड वी आर वेरी एक्साइटेड कि आज हमने मीठा का पहला स्टोर लॉन्च किया रेडिसन गोरेगांव में। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। तो क्या है यहाँ की सबसे खास बात? यहाँ की खास बात यह है कि जो मिठाइयाँ यहाँ पे हम दे रहे हैं दे आर क्लासिक मिठाई आल्सो, बट वी आर आल्सो कंसेप्चुलाइजिंग। हम मिठाइयों को ओकेजन के हिसाब से डिज़ाइन करते हैं कि आपकी एनिवर्सरी है या बर्थडे पार्टी है या कॉर्पोरेट गिफ्टिंग है। सो ओकेजन त्यौहार आपने बताना है, मिठाई क्या जाएगी हम बताएंगे। वाह, और वैसे भी देखो मिठाइयाँ जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो कि इंडियंस की कमजोरी होती है, राइट? सो कितने टाइप की और कितनी वैरायटीज मिलने वाली हैं यहाँ पर? अभी हमने 60 मिठाइयाँ यहाँ पे स्टोर में लगाई हैं, लेकिन ये इवेंचुअली बढ़ती जाएंगी और ओकेजन के हिसाब से हम नया नया डेवलप करते जाएंगे और ये रोटेशन पे रहेंगी। सो सीज़न के हिसाब से, मौके के हिसाब से, त्यौहार के हिसाब से ये जो सेटअप है ये चेंज होता रहेगा। तो ये सारी जो मिठाइयाँ हैं उसमें स्पेशल टच आपका है सर? जी हाँ, ये सारी मिठाइयाँ जो है मैंने कंसेप्चुलाइज करी हैं क्योंकि ये सब आर्टिसनल मिठाइयाँ भी हैं इसमें, जो हैंड क्राफ्टेड है, हैंड डिज़ाइन है, एक एक पीस को डेकोरेट किया गया है। सो दे आर वेरी वेरी स्पेशल मिठाई। एंड इसके अलावा क्लासिकल मिठाइयाँ जो पैन इंडिया बिकती हैं, सबको पसंद आती हैं, वो भी रखी हैं हमने मेन्यू में। सो यहाँ पर हम खेलने वाले हैं आपके साथ एक मिठाई गेम। सो क्योंकि आप एक शेफ़ हैं एंड यू नो ऑल अबाउट फूड, सो जब मिठाई की बात करते हैं तो मैं नाम लूँगी और आपको दो दो इंग्रेडिएंट हर मिठाई के बताने होंगे। सबसे पहले गुलाब जामुन। गुलाब जामुन में हम लोग मावा इस्तेमाल करते हैं, छेना इस्तेमाल करते हैं। रसगुल्ला। रसगुल्ला में भी अगेन छेना होता है। और एक और चीज़ चीनी है, ऑफकोर्स। ओके, शुगर इज द कॉमन इन ऑल द मिठाई। ओके, गाजर का हलवा। गाजर का हलवा में अगेन गाजर, चीनी, खोया। ऑलराइट, बेसन का लड्डू। बेसन के लड्डू में देसी घी, बेसन, नट्स। पेड़ा। पेड़ा में अगेन मावा और केसर, और अगर केसरी है तो केसर, वरना चीनी। ग्रेट, तो ये तो ऑब्वियसली इंग्रेडिएंट्स पूछ रही हूँ, मतलब बताओ, ये तो पता ही होगा आपको। लेकिन साथ ही में यहाँ होने वाला है एक और गेम। सो मैं दिखाने वाली हूँ सबको इमोजी और वो देखकर आपको पहचानना होगा कि कौन सी मिठाई का नाम है। नॉट वेरी गुड एट इमोजी, चलो देखते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले सो सर बताइए ये कौन सी मिठाई है? ये मिठाई है, हाँ। नाशपाती। नो 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 तो नहीं, नहीं आइडिया। अच्छा, दे डोंट मेक एनी कनेक्शन फॉर मी। रस। अच्छा, रस है, मैं तो पियर देख रहा था, फोटो में पियर बना हुआ है। So, मैंने एक पास दे दिया, ये रस है और ये आई है। रस मलाई। जी बिल्कुल सही। ओके नेक्स्ट बताइए। घर चाय। घर जमा चाय। घर जमा चाय। बिल्डिंग को क्या कहते हैं और क्या कहते हैं बिल्डिंग को? बिल्डिंग को मकान नहीं, ये लिंक नहीं हो रहा मेरे को ये। अच्छा, चाय को और क्या कहा जाता है? चाय को टी। बताइए क्या है, कीजिए। इमारत और टी, इमरती। अच्छा, ओके लास्ट दिस। ये क्या? पानी भी, जलेबी। थैंक गॉड ये वन को मैं आपने बता दिया। एंड दिस इज द लास्ट फॉर यू। रोज जमा चल जमा चांद, गुलाब जामुन नहीं है, गुलाब जामुन। बिल्कुल सही। तो भाई ये तो उन्होंने बहुत अच्छे से बता दिए, although it was tough, right? कितना मजा आया आपको हमारे साथ ही गेम खेल के? बहुत अच्छा लगा, आई मीन मिठाइयों को रिलेट करना एमओजी से, दिस इज न्यू। ओके, साथ ही में रेडिसन जो लेकर आए हैं मीठा, सो ये कितनी जगह पे आने वाला है, किस तरह से ऑडियंस के लिए पॉकेट फ्रेंडली होने वाला है? देखिए, ये पहला एक्सक्लूसिव रिटेल स्टोर है और ये हमने अभी गोरेगांव में खोला है, नेक्स्ट बैंड्रा में है और उसके बाद कोलाबा में, ऐसा डिसाइड किया है बलवा ग्रुप ने हमारे रेडिसन के साथ मिलकर। ये नया स्टोर, 3 स्टोर और आएंगे मुंबई में, और इसके अलावा पैन इंडिया में हम इसको लेके जा रहे हैं। दिल्ली NCR में हम लोग प्रोडक्शन शुरू कर चुके हैं और ऐसे ही और शहरों में भी हम इसको लेके जा रहे हैं। तो ये हम पूरे इंडिया में किसी को भी वंचित नहीं रखेंगे इस मीठे से। सो वो कहते हैं ना कि अगर मिठाई के साथ पैकेजिंग भी ऑसम हो तो चीज़ें और डबल सुपर हो जाती है, राइट? एब्सोल्युटली। देखिए,
जैसे कि मिठाई कंसेप्चुलाइज हो रही है ओकेजन के हिसाब से, डब्बा भी हमने उसी हिसाब से बदल रहे हैं। अगर शादी का डब्बा अलग होगा, वो आपके वेडिंग कार्ड और बैग से मिलता जुलता डिज़ाइन होगा। उसके अलावा कॉर्पोरेट गिफ्टिंग के बॉक्सेस अलग हैं, त्योहारों के बॉक्सेस त्योहार से जुड़े हुए हैं। तो हमें एक बार बताइए, कौन सी मिठाई है जो किस त्योहार पे परफेक्ट हो सकती है, शादी में कौन सी मिठाई दी जाए? देखिए, शादी में तो हम मिक्स मिठाई भी चलती है, काजू कतली भी लोग लेते हैं। जैसे अब गणपति आया तो मोदक बहुत चले, जैसे होली आती है तो गुजिया और चंद्रकला बहुत चलता है। तो त्योहारों के हिसाब से, अब जन्माष्टमी थी तो पेड़े बहुत बिके, तो त्योहारों के हिसाब से हमारे यहाँ मिठाइयों का है। लेकिन कुछ मिठाइयाँ ऐसी हैं जो हर त्यौहार में चल जाती हैं, इसमें काजू कतली है, लड्डू है, मोतीचूर, गुलाब जामुन जो हम ड्राई वाला। देखिए, इतनी मिठाइयों की बात हो गई कि मेरा तो मतलब भूख लगने लग गई है मुझे। सो थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस। लास्टली, व्हाट यू वांट टू से टू ऑल? थैंक यू। सो वी आर हेयर इन द फर्स्ट एवर रिटेल स्टोर एट रेडिसन गोरेगांव, एंड वी आर ऑल ओपन नाउ फॉर यू। जस्ट लेट अस नो ओकेजन क्या है, मीठा हम देंगे, और कोई भी खुशी हो मीठा तो बनता है। क्या बात है। और इसी के साथ आपको हमने मिलवाया शेफ राकेश सेठी से। थैंक यू सो मच सर हमसे जुड़ने के लिए। कीप वॉचिंग। कैमरा पर्सन नितिन वर्णी के साथ श्रुति पड़ जाते हैं। मुंबई आज तक।